श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत कम लोग जानते होंगे। फैक्ट नंबर वन, श्री कृष्ण जी का नामकरण यदुवंश के कुलगुरु ऋषि गर्ग ने किया था। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो ऋषि गर्ग को ज्ञान था कि ये खुद भगवान विष्णु का अवतार हैं। फैक्ट नंबर टू, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने पास एक बांसुरी रखते थे, लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के पास ये बांसुरी कहाँ से आई? किसने दी श्री भगवान कृष्ण को ये बांसुरी? नहीं पता तो आपको बता दूं कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब सभी देवी देवता श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए अलग अलग रूप में धरती पर आए थे और भगवान शिव भी श्री कृष्ण से मिलने आए थे। तब भगवान शिव अपने साथ श्री कृष्ण जी को देने के लिए एक बांसुरी लेकर आए थे। ये बांसुरी श्री कृष्ण जी को भगवान शिव ने दी थी। फैक्ट नंबर थ्री, जब श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मारा था और अपने माता देवकी और पिता वासुदेव को छुड़वाया तो माता देवकी ने कृष्ण जी से कहा, बेटा तुम तो खुद भगवान हो, फिर तुमने 14 वर्ष क्यों लगाए हमें छुड़वाने के लिए? तो श्री कृष्ण जी ने माता देवकी को कहा, क्योंकि आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था पिछले जन्म में। तो माता देवकी जी ने कहा कि बेटा ये कैसे हो सकता है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आपको आपके पिछले जन्म के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप पिछले जन्म में क्या कही थी। आपके पति वासुदेव दशरथ और मैं राम था। तो माता देवकी ने पूछा, तो फिर कौशल्या? तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि माता कौशल्या इस जन्म में माता यशोदा हैं। पिछले जन्म में वो 14 वर्ष अपने पुत्र के प्यार से दूर रहे, लेकिन वही 14 वर्ष का प्यार उन्हें इस जन्म में मिल गया। फैक्ट नंबर फोर, हमने आपको बता दिया कि माता देवकी पिछले जन्म में कैकेयी थी, वासुदेव दशरथ, माँ यशोदा कौशल्या और कृष्ण जी राम जी का रूप थे, लेकिन माता सीता और लक्ष्मण, आपको बता दें कि कृष्ण जी के भाई बलराम लक्ष्मण का रूप थे और राधा माता सीता जी का रूप थी, और आपको बता दूं कि रुक्मिणी माँ लक्ष्मी का रूप थी। फैक्ट नंबर फाइव, जब भी हम श्री कृष्ण जी का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने सर पर सुंदर मुकुट पहने, ऊपर मोर पंख लगाए, हाथ में बांसुरी पकड़े बेहद ही सुंदर रूप आता है। तो क्या आप जानते हैं कि पहली बार कृष्ण जी की तस्वीर किसने बनाई थी? अगर नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिन्होंने श्री कृष्ण जी के पोते यादववंशी राजा वज्रनावी को श्री कृष्ण का चित्र बताया था कि वो कैसे दिखते थे। उसके बाद श्री कृष्ण के पोते यादववंशी राजा वज्रनावी ने प्रमाण सहित भगवान श्री कृष्ण की पहली बार तस्वीर बनाई थी। इसके बाद ग्रीक के एक शासक एक्टेक्लस ने श्री कृष्ण और बलराम की तस्वीर कॉइंस पर भी छपवाई थी। सो गाइस, इफ यू लव कृष्णा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।